कुछ खास में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चौड़ाई की सब्जी। ये हरे पत्तों की सब्जी है, इसको हर्बल सब्जी भी आप बोल सकते हैं। ये बिना तेल की बनाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को बिना तेल की ज़्यादा पसंद है। सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि बिना तेल की बनाते हैं। इसकी जगह पर आप पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जगह पर आप चने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इनको सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। ये देखिए, ये चौड़ाई है। दो तरीके की चौड़ाई आती है, एक ये छोटे छोटे पत्तों की है और एक बड़े बड़े पत्तों की होती है। इनको अच्छी तरीके से धो करके पहले बारीक बारीक काट लेंगे। तो मैंने इनको धो लिया है और अब मैं इसको बारीक बारीक काट लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके अलावा हमको चाहिए करीब 50 ग्राम ये मैंने मूंग की दाल ली है। इसको मैंने एक घंटे तक भिगो करके रखी है। मैंने बिना छिलके की ली है, लेकिन आप छिलके वाली लीजिए। छिलके वाली ज़्यादा टेस्टी भी होती है, पौष्टिक भी होती है, और स्वाद भी इसका ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा हमको चाहिए 3-4 लहसुन की कली, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। 3-4 हरी मिर्ची चाहिए, और आधा इंच अदरक चाहिए, और नमक चाहिए स्वाद अनुसार। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। और अब ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये भिगोई हुई मूंग की दाल। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और अब डालेंगे इसमें 1 गिलास पानी, करीब 250 ml। आपको जरूरत पड़े तो इसमें से और भी पानी डाल सकते हो। ये देखिए, तो ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा और पानी डालूंगा। 1 गिलास और पानी डाल रहा हूँ मैं, और अब हम इसको पकने देंगे। तो आपने देखा दोस्तों, इसमें बहुत ही कम मसाले डाले मैंने, और सिंपल रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, बिना तेल की रेसिपी है। तो इसको आप आराम से कोई भी खा सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत गुणकारी होती है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। इसको पकने में करीब 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इसको ढक करके पक सकते हैं, पका सकते हैं, या खुले भी पका सकते हैं। बीच बीच में हिलाते रहिए, तो मैं इसको ढक करके पकाऊंगा। तो दोस्तों अब करीब 20 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं हमारी सब्जी को। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से पक गई है, और अब आप इसको एंजॉय कीजिए पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, या राइस के साथ में। ये किसी के साथ में भी खाई जा सकती है।
ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही हेल्दी है और बिना तेल की हैं, तो हर एक उम्र के लोगों के लिए गुणकारी है। धन्यवाद दोस्तों।